चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी जयपुर से आईपीएल पर लगने वाले सट्टे को लेकर एटीएस की बड़ी कार्रवाई यहां पर रही। आईपीएल सट्टे को लेकर जयपुर एटीएस टीम की बड़ी कार्रवाई, एटीएस ने महिंद्रा सेज इलाके में दबिश संबंध में दी थी। और आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां रही, एटीएस ने यहां से 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया, 20 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप सहित करोड़ों रुपए का हिसाब किताब भीम से बरामद। लंदन से इन सटोरियों के तार जो है वो जुड़े हैं, ये सूचना फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। और जयपुर से लंदन ये जो थे ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे और 6 सटोरियों को गिरफ्तार यहां किया है। डीआईजी एटीएस अंशुमन भूमिया के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। आईपीएल सट्टे को लेकर जयपुर एटीएस टीम की बड़ी कार्रवाई, फिलहाल की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, आईपीएल सट्टे के खिलाफ जैसे ताबड़तोड़ प्रदेश में कार्रवाइयां जारी है, महिंद्रा सेज इलाके में दबिश के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या पूरी जानकारी? जैसे बिल्कुल, ये एटीएस की जो टीम है उसने दूसरी बार ये बड़ी कार्रवाई की है। अभी विगत दिनों आज से 10 दिन पहले भी एटीएस ने कार्रवाई की थी, जहां पर 6 से 7 सटोरियों को यहां पर दबोचा गया था और उनसे कुछ इनपुट मिला था। उसी इनपुट के आधार पर एटीएस की टीम ने महिंद्रा सेज जो इलाका पड़ता है, जो नई कॉलोनी है, वहां पर दबिश मारी थी। और इस दबिश के दौरान एक फ्लैट में छापा मारा, छापे के दौरान यहाँ पर आधा दर्जन जो युवक थे, जो सटोरिये थे, वो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से सट्टा कारोबार चला रहे थे, जिसकी पुलिस को भी, यहाँ पर स्थानीय पुलिस को भी भनक नहीं थी। मगर मुखबिर के जरिए जो सूचना मिली थी और इसके बाद जो तकनीकी टीम से जो सूचना मिली थी, उसके बाद यहाँ पर एटीएस की टीम ने रेड मारी। और जब मौके से जब यहाँ पर 6 आरोपियों को पकड़ा, तो उनके पास से 2 लैपटॉप थे, साथ में 20 से ज्यादा जो मोबाइल थे, जिनको सट्टा जिनका सट्टा कारोबार में उनको यूज लिया जा रहा था। इसके अलावा अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जैसी, उनको भी यहाँ से बरामद किया गया है। बहरहाल जब इनसे पूछताछ हुई और इनके मोबाइल फोन को खंगाला गया है, तो पता चला है कि इनके जो तार है वो लंदन से जुड़े हुए थे। यानी जयपुर में बैठे बैठे लंदन में यहाँ पर सट्टा कारोबार चला रहे थे और जयपुर के कई जो व्यापारी हैं वो इन सट्टा, इस पूरी जो सटोरियों की जो गैंग थे, उनसे जुड़े हुए थे। बहरहाल एटीएस की टीम है इनसे पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद में जो लोग इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनका यहाँ पर खुलासा होगा और पता लगाया जाएगा कि इनके तार किन किन गिरोह से जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी सफलता यहाँ पर एटीएस की टीम को हाथ लगी है। यहाँ पर 3/4 के रूप में यहाँ पर कार्रवाई की है, साथ में आईटी एक्ट और 420 की धाराओं के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है यहाँ पर। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर जैती यही है कि इतना बड़ा जो कारोबार थे ये यहाँ पर बैठे बैठे चला रहे थे, स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिल पाई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आईपीएल जिस तरीके से चल रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जयपुर पुलिस है, जयपुर कमिश्नरेट की टीम है, पूरी तरीके से मुस्तैद होगी और इन सटोरियों पर नजर रखेगी। लेकिन यहाँ पर गुपचुप तरीके से सटोरिये जो थे यहाँ पर कारोबार चला रहे थे, इसकी भनक यहाँ पर कमिश्नरेट को नहीं मिल पाई, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल सब चीजों का खुलासा होगा, कुछ देर बाद पता चलेगा कि इनके पास से कितना हिसाब किताब मिला। लेकिन जो प्रारंभिक जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है फिलहाल अभी इनसे बरामद हुआ है। बिल्कुल जी यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।